हेलो नीट एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे ही कल नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आउट हुआ था तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन दोस्तों, आज जब बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के 718 और कुछ स्टूडेंट्स के 719 स्कोर देखने को मिले, तो इससे ये साफ हो गया है कि कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाएंगे जिससे साफ हो जाता है कि नीट रिजल्ट में गड़बड़ी है। यहाँ पर आप दो फोटोज़ देख रहे हैं। यहाँ पर एक में है 718 स्कोर और एक में है 719 स्कोर, जो नीट इतिहास में आज तक कभी भी किसी का नहीं आया है। इस पर एनटी ने सफाई दी है, उस सफाई के बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही एग्जाम सेंटर से हैं और जो टॉपर हैं। तो सवाल अब ये उठता है, क्या सभी टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर में जाते हैं? दूसरा सवाल दोस्तों, अब एनटीए ने बोला है कि जो ये 718 और 719 अंक आए हैं, ये जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू दिए गए हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो गया, टाइम लॉस हो गया, उनको जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स 700 प्लस स्कोर किए हैं, यानी उन्होंने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, तो उनका टाइम लॉस कैसे हो सकता है? पहली बात ये है। दूसरी बात दोस्तों, ये किस बेसिस पर पता लगाया गया है कि सिर्फ इन स्टूडेंट्स का ही टाइम लॉस हुआ है और बाकियों का नहीं हुआ है? तो ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सभी सवालों को देखते हुए ये अब कन्फर्म हो गया है कि नीट रिजल्ट ये कैंसिल होकर के दोबारा जारी होगा, या फिर दोस्तों रीनीट 2024 एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि नीट यूजी 2024 रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और एक और बात दोस्तों, रीनीट की हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि 720 में से 720 नंबर लाने के बाद भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट में खामियां हैं या फिर एग्ज़ाम लीक हुआ है। जो नीट 2024 का आपका एग्ज़ाम था वह नीट 2023 से ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी 70-80 स्टूडेंट्स 720 में से 720 लेकर के आते हैं और 650-60 के स्कोर के आसपास जो 5000 रैंक आता था वहां पर 25000 रैंक आ रहा है। तो इससे ये साफ दोस्तों अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर जो है वो बड़े लेवल पर लीक हुआ था और इसीलिए रीनीट 2024 एग्ज़ाम अब की बार कंडक्ट करवाना होगा। और चलो ये कोई एक स्टूडेंट्स बोल रहा हो या एक कोई यूट्यूबर बोल रहा हो तो भी बात, सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, साथ में जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनकी वजह से नीट एग्ज़ाम जो है दोस्तों, नीट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, जैसे एलन है, आकाश है, पीडब्ल्यू है, पीसीएस है, पीसीपी है, और भी मतलब जितने भी बड़े बड़े एग्जाम सेंटर्स हैं, फिजिक्स वाला है, सभी ये बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, पेपर लीक हुआ है। सभी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। अब दोस्तों एनटीए कब मानेगा, इस बात को लेकर के शंका बनी हुई है। साथ में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ऑल्सो सर, 8 स्टूडेंट्स गॉट 720 मार्क्स फ्रॉम द सेम सेंटर एंड 20 आउट ऑफ टॉप 100 रैंकर आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम सेंटर। मतलब 100 जो टॉपर है उनमें से 20 जो है वो एक ही एग्जाम सेंटर से है, ये कैसे पॉसिबल है? सीरियसली, दिस इज अ बिग स्कैम, एनटीए डिस्ट्रॉयड मैनी इनोसेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट लाइफ। ये बात इसने बिल्कुल सही लिखी है दोस्तों। एक स्टूडेंट्स ने लिखा है, इफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 700 प्लस दैट मीन्स दे हैव अटेम्प्टेड फुल पेपर, देन हाउ कम देयर टाइम वाज लेस। इनका कहना है कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, और एनटीए ने सफाई दी कि उनको इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो गया और उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनसे कोई पूछने वाला हो, अगर उनका 700 प्लस स्कोर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने फुल पेपर अटेम्प्ट किया तभी जाकर के इतना स्कोर आ रहा है, तो उनका टाइम लॉस कैसे हो सकता है? तो ये भी सवाल है। और साथ में कि इन किन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ ये आपने कैसे पता लगा लिया? मतलब कि ये तो अनफेयर हो गया कि कुछ को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, कुछ को नहीं दिए। और नॉर्मलाइजेशन का
यहाँ पर मैटर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये ऐसा तो बहुत पहले एक बार कभी हुआ था नीट में तो, और ये बिना कोई जानकारी के नॉर्मलाइजेशन कैसे दे दी गई, ना कोई नोटिफिकेशन था कि ऐसे जो है हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं, और इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। साथ में दोस्तों कुछ पॉइंट और भी है, इतना सडनली आपका रिजल्ट आता है कि किसी को खबर भी नहीं थी, किसी के कानों में जूं तक नहीं थी कि ऐसे रिजल्ट आ सकता है। साथ में सभी जो है लोग वो बिजी थे इलेक्शन में, इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी, और यहाँ पर सडनली रिजल्ट आउट कर दिया जाता है, तो काफ़ी सवाल हैं। और इससे यह साफ हो जाता है कि नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी है और इसे कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। और दोस्तों इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ सकता, अगर इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है तो आगे से लोगों को जो है 720 में से 720 की ही तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी छोटी सी गलती उनको जो है उनका करियर बर्बाद कर सकती है। अगर 720 में 720 नहीं आते हैं तो उनको जो है एडमिशन नहीं मिलने वाला। दोस्तों इसके ऊपर हमको आवाज़ उठानी है, और आवाज़ उठाने के लिए सबसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा @ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक बंदा है दोस्तों, वो ही इस मैटर को संभाल सकता है, बहुत ही जो है कह सकते हैं आप एजुकेटेड और एक लॉजिक के साथ बात करने वाला बंदा, वो ही इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। उसको टैग करिएगा और ये मैटर सब कुछ लिखिएगा। थैंक यू।